हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी.एस.सी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो IIT-JAM है यहाँ पर जाके मेरे वीडियोज या लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न एंड ODPD, काफी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में यहां पे समझाऊंगा कैसे हम यहां पे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया था तो वो आप IIT-JAM पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको यह समझने में दिक्कत ना आए। सो सुनिए, यहां पर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, उसका इस टाइप का होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी है dy/dx = ax + by + c / a1b1c1 ले लीजिए और ये आ रहा a2x + b2y + c2। अगर यहां पे a1 by a2 मतलब इन दोनों का कोफिशियंट इन दोनों के कोफिशियंट के बराबर नहीं हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि dy/dx = x + 2y - 1 / 2x + y - 1 या +1 ले लीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे x का कोफिशियंट 1/2 आ रहा है, y का कोफिशियंट 2/1 आ रहा है जो कि बराबर नहीं आ रहा, मतलब इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, एक सेकंड टाइप और आता है। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी है dy/dx जहाँ पर a1x + b1y + c1 upon a2x + b2y + c2। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे a1 by a2 = b1 by b2, मतलब दोनों रेशियो बराबर आता है तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने बताया था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाले कंसेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखो, रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए dy/dx = x + y + 1 upon 2x + 2y + 3। मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इस दोनों का जो कोफिशियंट है उसका रेशियो 1/2 = 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक फंक्शन एक बार आए या एक से ज्यादा बार रिपीट करे, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, और 2 कॉमन आ रहा है मतलब इस x + y को आप t एज्यूम करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x और t में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, देन आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है और जब बराबर नहीं आता है तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब बराबर नहीं आता है तो कैसे हम यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सुन, देखिए हमारे पास कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दे रखा है यहां पे dy/dx = y + x - 2 upon y - x - 4। तो हमें क्या करना है, सुनिए यहां पे small x = X + H and small y = Y + K अज्यूम करते हैं। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं small dx = D x आएगा एंड small dy = D y आएगा। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा DY/DX = यहाँ पे y जो आएगा इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, सुन, जो स्मॉल y की वैल्यू आएगी उसकी जगह हमारे पास आएगा Y + K एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास +X + H - 2 / यहाँ पे y की वैल्यू आएगी हमारे पास Y + K - X + H - 4। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सुनिए पे आएगा dy/dx = आप देख रहे हो सुनिए पे आएगा हमारे पास Y + X + K + H - 2 / Y - X + K - H - 4 आएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ये स्टेप लिखने के लिए आपने इतना करा, इसकी ट्रिक है आपके पास अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो आप उसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसको होमोजीनियस बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, मतलब K + H - 2 0 रखेंगे एंड K - H - 4 को 0 रखेंगे। जब ये 0 रखेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये हमारे पास हो जाएगी y + X - y - x। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस हम स्टेप्स को हम यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही तो सीधा जहाँ पर भी कैपिटल है हम ये एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पर स्मॉल है वहाँ कैपिटल रख दीजिए, है ना, जहाँ पर भी स्मॉल है वहाँ पर कैपिटल रख दीजिए, है ना, ये बाकी छोड़ दीजिए, बाकी को लिखना ही नहीं। फिर जहाँ पर भी y है वहाँ पे k, जहाँ पर x है वहाँ पे h, और जहाँ पर भी y है वहाँ पे k,
ये एच माइनस फोर, इसको बस जीरो पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। आपको इतना माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको एज्यूम करो, ये स्टेप लिखो, यहाँ से आएगा। आपके पीछे मैंने बता दिया कि रीजन क्या होता है, बट इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस मैंने आपको ये बताया क्योंकि आप यहाँ पे इसको करो, फिर इसको अलग अलग करो, फिर बराबर जीरो पुट करो, बेटर सामने की भाई जहाँ पर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वहाँ पे कैपिटल रख दो, और जहाँ पर भी ए वाई वहाँ पे के एक्स की जगह एच उसको बराबर जीरो रख दो, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो सुन, खैर मैंने आपको ये नॉलेज देने के लिए बताया। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अब आप यहाँ पे एच और के की वैल्यू निकाल लीजिए एक बार साइड में, है ना। तो सुन, जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो एच से एच कैंसिल हो रहा है और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, सुन, के हमारे पास ये आ जाएगा, ये टू के आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो यार, के की वैल्यू हमारे पास थ्री आएगी, और जब ये थ्री रखेंगे हम के की वैल्यू, तो हम जानते हैं सुन एच की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस बनाएगी। सुन, ये वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। खैर अभी हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो ये dy by dx, इसमें dy by dx is equal to ये आएगा हमारे पास y plus x upon y minus x। चूंकि हमारे पास ये 1 डिग्री में होमोजीनियस है, हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल y is equal to small v x, small v into x आ जाएगी, हम इसको एज्यूम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, इसमें हम यहाँ पे v plus x dv by dx हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो ये आएगा v plus x dv by dx। सुन, यहाँ पे जहाँ पर भी y होता है वहाँ पे vx रखते हैं, राइट। और यहाँ पे भी हमारे पास vx आता है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सुन x कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x dv by dx, और ये आएगा हमारे पास v plus 1 upon v minus 1, माइनस का v हो जाएगा। जब इसका हम LCM लेंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसका, जब LCM लेंगे, चूँकि हमारे पास इधर काम की टर्म नहीं है, सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x dv by dx, सुन जहाँ पे हम इसका LCM ले लेंगे, तो ये आएगा LCM v माइनस वन, ये आएगा हमारे पास v प्लस वन, और जब इसको माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा ये। इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x dv by dx इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास वन माइनस वन प्लस टू वी माइनस का v स्क्वायर अपॉन v माइनस वन आ जाएगा। इसमें v को अलग कर दीजिए, x को अलग कर दीजिए, तो चलो मैं इसको यहाँ निकलता हूँ, तो इसमें यह आएगा v माइनस वन अपॉन वन प्लस टू वी माइनस का वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सुन डी एक्स अपॉन एक्स। इसमें ये अलग अलग हो रहा है, आप देख रहे हो यार, इसको टी मान लीजिए आप, अगर मैं इसको टी मानता हूँ वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर को मैं टी एज्यूम करता हूँ, तो आप देख रहे हो यार, ये टू माइनस टू वी डी वी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन डी टी आएगा। इसमें टू कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए, तो वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा डी टी बाय टू। सो सुन, देखिए यहाँ पे वी माइनस वन है, यहाँ पे हमारे पास वन माइनस वी आ रहा, तो हमें माइनस कॉमन निकलना पड़ेगा, तो वन वी माइनस वन डी वी और माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए, तो ये आएगा माइनस का डी टी बाय टू। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखें, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। इसमें यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का डी टी बाय टू, और ये टी आई जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का यहाँ पे लॉग सी आ जाएगा। सुन, यहाँ पे हम लॉग सी ले लेते हैं, ठीक रहेगा। इसमें यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का वन बाई टू लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का लॉग सी हो जाएगा। आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे हमारे पास ये टू उधर भेज दीजिए आप, और ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस भी उधर भेज सकते हैं आप, तो इसमें हमारे पास ये आएगा लॉग टी इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का टू लॉग एक्स, राइट। एंड कॉन्स्टेंट है तो इसको एज इट इज रहने, तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, है ना। मान लीजिए सी डैश था, फिर नया कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, क्लियर है। इसमें हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे हो यार, ये आएगा हमारे पास लॉग टी इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास लॉग एक्चुअली माइनस टू है, तो ये सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो लॉग से लॉग हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो मैं लॉग से लॉग कैंसिल कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ पे जरूरत नहीं है तो थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है। अब ये वाली स्टेप हम यहाँ से उठा के रखेंगे, सुन लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये आएगा टी इज इक्वल टू सी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सुन एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू सी। इसमें एक्स स्क्वायर और टी, टी हमने क्या एज्यूम किया था, सुन यहाँ पे टी हमने ये एज्यूम किया था, सुन ये आएगा वन प्लस, ये आएगा हमारे पास 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी आ जाएगा। इसमें जहाँ पर भी v है, चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, सुन वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिया था आपने, याद हो, तो सुन ये v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन कैपिटल y बाय एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आएगा वन प्लस, ये आएगा टू, इसमें यह आएगा वाई बाय एक्स माइनस, ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना। इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, है ना,
क्लियर। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये टू एक्स वाई आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, सुन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये सी आएगा। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ जाएगा। पर चूंकि हमारा आंसर जो है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आना चाहिए, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अज्यूम ये किया था कैपिटल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू दिस था। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सुन स्मॉल वाई माइनस क्या आएगी, क्योंकि हमने एच और के को उधर ले लिया। अब इसमें देख रहे हो हमारे पास के की वैल्यू माइनस वन है, तो इसको लिखूंगा मैं एक्स प्लस वन हो जाए क्योंकि माइनस रखेंगे, और यहाँ पे के की वैल्यू थ्री है, तो सुन ये आएगा वाई माइनस थ्री। सुन जहाँ पर भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप, तो सुन आप देख रहे हो यार एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, अगर आप चेक करेंगे तो सुन कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू इंटू ये आएगा हमारे पास एक्स प्लस वन, और y की वैल्यू हमारे पास ये आएगी सुन y माइनस थ्री, राइट, माइनस का ये आ जाएगा y माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस का इज इक्वल टू सी। यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंदी होता है बट हाँ कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना, मैं आपको सीधा बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुनिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस आपको अज्यूम क्या करना है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। सो सुनिए यहाँ पे हम अज्यूम क्या करते हैं ये देख लीजिए। सुन हमारे पास अज्यूम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू यहाँ आता है कैपिटल वाई प्लस के, हम ये अज्यूम करते हैं। जैसे हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि हम सीधा यहाँ पे कैपिटल डी वाई बाय डी एक्स, इसमें जहाँ पर भी एक्स स्मॉल एक्स वहाँ कैपिटल एक्स रख दीजिए, स्मॉल वाई वहाँ पर कैपिटल वाई रख दीजिए, ये आएगा टू एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, सुन जहाँ पर भी x है वहाँ पर h प्लस टू के माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ आएगा ये 2h प्लस k माइनस का 3 आएगा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें ये h और k 1 आ गया, एक काम करते हैं इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो आप देख रहे हो यार इस कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h आता है, क्योंकि h इधर गया और h की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, तो कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1 आएगा। इसी टाइप से आप कैपिटल y इज इक्वल टू आप देखेंगे तो स्मॉल y माइनस k आ जाएगा, और हम जानते हैं यहाँ पे कि कैपिटल y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी है, क्योंकि वैल्यू लास्ट में हमें रखनी पड़ेगी, तो हम जानते हैं कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1। यार ये दोनों वैल्यू हम लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो वहां रखेंगे। खैर अभी यहां पे आते हैं, सुन हम यहां पे जानते हैं कि चूंकि हमारे पास ये क्या, और ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है हम कैसे निकालते हैं, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं यार x का किया तो 1 हो जाएगा, और x को छोड़ा इसका किया तो ये dv / dx हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, जैसे ये वैल्यू उठा के आप यहां रखते हैं तो सुन ये आएगा v + x dv by dx is equal to ये x आएगा, सुन ये आएगा 2vx divided by ये आएगा 2x plus vx आएगा, सुन x कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x dv by dx is equal to 1 plus 2v upon 2 plus v हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं x dv by dx की वैल्यू आप निकालोगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 plus 2v upon 2 plus v माइनस का v हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप तो यार यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन x dv by dx, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो सुनिए आएगा हमारे पास 2 प्लस वी, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो सुनिए आएगा 1 प्लस 2v, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सुन माइनस का 2v एंड माइनस का v स्क्वायर, इसका एलसीएम लेने के बाद ये आएगा सुन 2v से 2v कैंसिल हो गया। आप देख रहे हो यार सुन x dv by dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी हो जाएगा। इसमें उसको वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए तो यार 2 प्लस वी इधर आएगा एंड 1 माइनस वी स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आएगी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे लॉग सी ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, उसको अलग अलग कर दीजिए तो ये आएगा 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी आ जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस का यहाँ पे लॉग सी हो जाएगा, राइट, है ना, ये लॉग सी हो जाएगा। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। इसमें इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होता है। और इसको आप देखेंगे सुन यहाँ पे इसका टी मानी, अगर आप 1 माइनस वी स्क्वायर को टी ले लेते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर को टी ले लेते हैं तो हम जानते हैं यार ये होता है माइनस का 2v dv इज इक्वल टू dt होता है, तो हम जानते हैं यार v dv इज इक्वल टू
डी टी अपॉन माइनस टू होगा। तो सुन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हो यार वी डी वी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन डी टी अपॉन माइनस टू और ये हमारे पास तो टी आई रहा है इज इक्वल टू ये लॉग हमारे पास ये एक्स ही हो जाएगा। इसमें जब इसको टू से टू तो कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का टू लॉग हमारे पास टी हो जाएगा है ना इज इक्वल टू ये लॉग एक्स ही हो जाएगा। देन हम टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा सुन लॉग हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी माइनस वन बाई टू और ये आएगा लॉग। इसमें टी की वैल्यू हमारे पास क्या टी हमने क्या एज्यूम किया था वन माइनस वी स्क्वायर किया था तो ये आएगा वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स ही हो जाएगा। सो सुन देखिए यहाँ पे आपने अभी देखा यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था वो ये था लॉग वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी एंड यहाँ पे हमारे पास था माइनस का वन बाई टू लॉग वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स ही था। इसमें टू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जब टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी माइनस का लॉग ये आएगा वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स ही हो जाएगा। इसमें टू पावर में चला जाएगा तो लॉग ये आएगा हमारे पास वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस का लॉग ये आएगा वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ये टू आएगा यहाँ पे एक्चुअली हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे टू आएगा ये तो इसमें लॉग ये आएगा एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा पे क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी राइट। अब सुन लॉग ए माइनस लॉग बी तो ये हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस में आएगा। सो सुन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आएगा इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हम तो ये आएगा वन प्लस वी अप टू वन माइनस वी का होल स्क्वायर एंड ये लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए बाई बी हो जाता है तो अपॉन करेंगे तो मैं वन अपॉन करके लिख देता हूँ ये वन माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्चुअली ये लॉग ए बाई लॉग बी होगा राइट तो मैंने वन अपॉन करके लिख दिया बात बराबर है राइट। इसमें उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हो लॉग से लॉग तो हट गया ये आएगा हमारे पास वन प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी का होल स्क्वायर आएगा। इसमें ये वन अपॉन है तो मैं चाहता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये आएगा वन माइनस वी इंटू वन प्लस वी हो जाएगा राइट इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर से स्क्वायर आप देख रहे हो यार वन प्लस वी से वन प्लस वी कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वन प्लस वी अपॉन ये वन माइनस वी तो वन माइनस वी का होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्क्वायर होगा। इसमें ये आएगा वन प्लस वी इज इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर से स्क्वायर वन माइनस वी का होल क्यूब आ जाएगा राइट। इसमें जहाँ पर भी वी है वहाँ पर वाई बाय एक्स रख दीजिए आप इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर सुनिए आएगा वन माइनस वाई बाय एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो सुनिए आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आएगा सुनिए आएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ये आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आएगा। आप देख रहे हो सुनिए एक एक्स एक एक्स कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आ जाएगा राइट। अब हमें क्या करना है सुन हमारे पास जो अज्यूम किया था मैंने आपको बताया था कि एच और के की वैल्यू यहाँ पे वन वन आई थी हमने सो हमने अज्यूम किया था यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स माइनस एच और यहाँ पे कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास वाई माइनस के और एच और के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वन और वन आएगी तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वन। इसमें ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा देखिए सुन तो सुन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई तो कैपिटल एक्स के लिए हमारे पास एक्स माइनस वन है राइट प्लस कैपिटल वाई हमारे पास यहाँ पे कह रहे सुन वाई माइनस वन इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इसमें एक्स हमारे पास एक्स माइनस वन आ रहा है माइनस ये आएगा वाई माइनस वन का होल क्यूब आ रहा है यहाँ पे इसमें यह आएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू आएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर सुन आप देख रहे हो वन से वन तो कैंसिल होगा और एक्स माइनस वाई का क्यूब आएगा सुन ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन मैंने अभी आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बताया और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा है ये मैंने आपको दे रखा है तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा पर टाइम भी जरूर बता सकते हैं आपके कितना मिनट आपको इसको सॉल्व करने में लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सुन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नया अपग्रेडेड वर्जन है मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सुन लास्ट में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट जो मेरे पुराने वीडियो से वो देख सकते हैं। सुन ये नए वीडियो की प्लेलिस्ट है जो 2.0 है वो भी 2.0 है जो यहां पे जाके देख सकते हैं। सुन मेरा नया चैनल है जिसमें काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं तो आप यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।